खुशियों के ये पल आज हैं और हैं कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कंगोर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मियों के यूनिक आईडी बनाने का काम किया जा रहा है। जो राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हैं, उन नर्सिंग कर्मियों को इनका फायदा होगा। नर्सिंग कर्मी अध्यक्ष अमर सिंह मीणा ने बताया कि जो नर्सिंग कर्मी राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हैं, उनका यूनिक पहचान पत्र बनाया जा रहा है, जो बायोमेट्रिक और आधार कार्ड से लिंक होगा और नर्सिंग ट्रैकिंग सिस्टम के तहत आधारित होगा। इससे पूरे भारत में जितने भी नर्सिंग कर्मी हैं वह सूचीबद्ध हो पाएंगे। साथ ही नर्सिंग कर्मी को कभी दूसरे राज्य में नौकरी करने पर वहां की एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तत्वाधान में संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी प्रतिष्ठित नर्सिंग कर्मी हैं, उनकी एक यूनिक आईडी बनाई जा रही है, जो बायोमेट्रिक्स और आधार कार्ड से संलग्न होगी, जो नर्सिंग ट्रैकिंग सिस्टम के तहत आधारित होगा। इससे समस्त भारतवर्ष में जितने भी नर्सिंग कर्मचारी है उनकी एक अलग सूची तैयार होगी। और कोई भी नर्सिंग कर्मी अन्य राज्य में नौकरी करने जाने पर, अब तक जैसे उनको वहाँ का एनओसी लेकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, इससे मुक्ति मिलेगी। हर 5 साल में जो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होता है, ऑनलाइन रिन्यूअल हो सकेगा, तो इससे नर्सिंग कर्मियों को कई सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। ये एक तरह से नर्सिंग कर्मियों के लिए एक नर्सेज यूनिक आईडी है। एक संस्था को इसका संपूर्ण प्रदेश का आरएनसी के राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से टेंडर दिया गया है, जो हर जिले में जा जाकर सभी नर्सिंग कर्मियों की बनाई जा रही है, चाहे वो बेरोजगार नर्सिंग कर्मी हो, चाहे संविदा पे हो, चाहे प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थान में कार्यरत हो, चाहे गवर्नमेंट संस्था के कर्मचारी हो, सभी की नर्सिंग यूनिक आईडी बनवाना जरूरी है। उसी के तर्ज पे आगे आईएनसी कार्य करेगी। वर्तमान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में जो राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन का जो अधिकृत कार्यालय है, उसमें सभी संपूर्ण जिले के नर्सिंग कर्मियों की आईडी यूनिक आईडी बनाई जा रही है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।